बहुत हो गया, मैं कहता हूं बहुत हो गया। ये 72 साल हमने जमहूरियत में सिर्फ और सिर्फ सियासत करके गवा दिए। जमहूरियत ऐसा लगता है पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को पालने के लिए है। सूबाई हुकूमत मरकजी हुकूमत से सियासत कर रही है, मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमत से सियासत कर रही है, शहरी हुकूमत सूबाई हुकूमत से सियासत कर रही है, अब तो खुदारा सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस के साथ भी सियासत शुरू कर दी है। एक गंद पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा गंद पड़ा हुआ है। करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनका कोई किसी को परवाह नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान में, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बहुत मसाइल है। और सिर्फ ये एक सियासी निजाम की वजह से है। पाकिस्तान तहरीक के निजाम के दो मकासद हैं, एक सियासी निजाम को तब्दील करना और दूसरी मौशी निजाम को तब्दील करना। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी निजाम चल रहा है वो बहुत बड़े हुजम के साथ चल रहा है। हमारा GDP का 10% हुकूमत के ऊपर खर्च हो रहा है, 10%, ये बहुत बड़ी रकम होती है और ये सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को पालने के मुतरादिफ है। एक ओवरलैपिंग सिस्टम है, एक ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए शहरी हुकूमत को ब्लेम करती है कि ये काम उसका है, आपने करना है, ये काम हमारा नहीं है। इसी तरह मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमत को ब्लेम करती है। जो मैंने एक मुजवजा ढांचा दिया है सियासी निजाम का, वो बगैर, एक छोटा है, एक गैर मुतराकिब है, एक बगैर किसी किस्म के बदअनवानी पे मबनी है और एक इंशाल्लाह एक शफाफियत लेके आएगा। हर पाकिस्तानी जो थर से लेके चमन तक और नीचे गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक है, वो एक बराबर का पाकिस्तानी है, उसके बराबर के हकूक है, उसके बराबर के पब्लिक सर्विस मिलनी चाहिए, उसके मसाइल के भी बराबर के तौर पे हल होने चाहिए। ये ना हो कि एक शहर में अरबों रुपए लग रहे हैं और बाकी सारे शहर अवाम उसको तरसी निगाहों से देख रहे हैं, जैसे पहले लाहौर में हो रहा था और अब तौनसा शरीफ में हो रहा है। ये निजाम जो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, इस ये सब पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी अवाम के लिए बराबर का निजाम होगा, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होगा, कम से कम हुकूमत होगी, छोटी से छोटी हुकूमत होगी, लेकिन अवाम के मसाइल इंशाल्लाह हल से सबके हल होंगे। दूसरा जो मुआशी निजाम में तजवीज किया है वो एक अफरात जर को कंट्रोल करना और दूसरा रोजगार के मौके पैदा करने के लिए है, एक नीम सोशलिस्ट तर्ज पे मबनी है, एक जिसके मेन जो मकसद है उसको ज़रात का इनकलाब लेके आना है। हुकूमत का ज़रात पे ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, इसका मकसद ये है कि अवाम के लिए सस्ती से सस्ती खुराक पैदा की जाए, उनको मुहैया की जाए, किसान से लेके अवाम तक डायरेक्ट ये अजनास दी जाए, ताकि मिडल मैन जो कि होर्डिंग करते हैं जो और दूसरे स्मगलिंग कर देते हैं उनका सफाया किया जाए। एक साल की पूरे खपत का अंदाजा लगाया जाएगा, एक पूरी प्लानिंग की जाएगी प्रोडक्शन के लिए, उससे उसके जितनी जरूरियात होंगी उसके मुताबिक उनको स्टोर किया जाएगा, ताकि अवाम को किसी किस्म के कोई मसला पैदा ना हो। जो जरूरत से ज्यादा या मावरा जरूरत से मावरा होगा उसको हम इंशाल्लाह वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को देंगे, ताकि वो जॉब्स क्रिएट करे और वो भी जो अजनास पैदा हो वो पाकिस्तान में भी लगे और एक्सपोर्ट की जाए। फ्री एंटरप्राइज, ये मुझे गलत ना समझे, फ्री एंटरप्राइज जो है, जो कि निजी सरमायाकारी है, उसका पूरा तहफ्फुज़ किया जाएगा, उसको हौसला अफजाई की जाएगी, ताकि वो भी अपने तौर के साथ जॉब्स क्रिएट करें। स्टेट बैंक को हम मेक श्योर करेंगे कि वो 6-7% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट को हम तरजीह देंगे। इसी तरह जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करेंगे, खत्म करेंगे,
जैसे कि गैस पे, पेट्रोल पे, आपके टेलीफोन कार्ड्स पे, ये सारे इतने जो टैक्स आप देते हैं, अवाम देती है, उन सबको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आमदनी के टैक्स पे ऊपर शरह बहुत छोटी होगी, लेकिन सब पाकिस्तानियों को ये टैक्स देना होगा उस पे, लेकिन उसका टैक्स बेस हम बढ़ाएंगे जीडीपी को बढ़ा के और अवाम के जॉब्स को क्रिएट करके, ताकि हम टैक्स बेस ज्यादा बढ़ाएं, ना कि हम टैक्स शरह को बढ़ाएं। इसी तरह हम सनतों के इनपुट्स को हम कि इनको सस्ता करेंगे, ताकि हम जो कंपेटेटिव एडवांटेज किसी जमाने में हमारा हुआ करता था वो दोबारा लेके आए, हम पूरी दुनिया में हम अपने मसनूआत एक्सपोर्ट करें। अमीर और गरीब का जो फर्क है वो हमने कम करना है इंशाल्लाह, ताकि हम वो जो हैव नॉट्स है वो इतना वो महसूस ना करें कि हमारे पास देनी है, अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमने ये फर्क खत्म करना है। अभी जो सियासी वजूहात की वजह से ये जो हुकूमत है वो जो करप्शन वाला पैसा था वो वापस नहीं लेके आ पाई, सिर्फ इसलिए कि हमें उनको ये सियासत में उनको दूसरी पार्टियों की जरूरत है। हम ये जो अपना मुजवजा ढांचा लेके आ रहे हैं सियासी, उसके तहत इंशाअल्लाह वो पूरे पाकिस्तानी जो करप्शन है वो टैक्स नहीं जिसने दिए हुए या जिसने करप्शन की हुई है वो पैसा हम वापस लेके आएंगे और ये गरीबों के ऊपर लगाएंगे, वो खुराक सस्ती गरीबों को देंगे, मुहैया करेंगे, बाकी ये बिजली का मसाइल जो है वो हल करेंगे, बिजली को सस्ती से सस्ती करेंगे, पेट्रोल को सस्ती से सस्ती करेंगे, ताकि ये जो मसाइल है हमारे महंगाई के वो हम कंट्रोल कर पाए इंशाल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुजवजा ढांचे से, पाकिस्तान तहरीक निजाम के ढांचे के साथ हल होगा। आप हमारा मंशूर पढ़ें और उसको अच्छी तरह पढ़ें। अगर आपके सवाल है कुछ ज़ेहन में, हमें राबता करें और हमसे सवाल पूछें और हमें पीटीएन को ज्वाइन करें, ताकि हम ये जो एक बेड़ा उठाया है हमने, आप भी शामिल हो के इसके साथ हम इंशाल्लाह ये जो मसाइल है हमारे मुल्क के, प्यारे मुल्क के, इसको हम हल करेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।